हेलो दोस्तों, ये देखिए हैलोवीन का शॉप है जहाँ पे मैं हैलोवीन के एक दिन पहले गई थी। हैलोवीन ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो मनाया जाता है जहाँ पे लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए कैंडल्स रखते हैं घर के बाहर, घर के अंदर डेकोरेट करके, और उन्हें ऐसा ऐसा लगता है इस पीरियड में कि उनके पूर्वज आके उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं। तो ये कल्चर काफ़ी कुछ हमारे कल्चर से भी मैच होता है। जैसे हम श्राद्ध मनाते हैं, उसी तरह से ये लोग ऐसे हैलोवीन मनाते हैं, एंड ये बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं। इसके लिए स्पेशल टाइप का जो शॉप है वो सेटअप होता है जगह जगह पर, जहाँ पे हैलोवीन के कॉस्ट्यूम्स मिलते हैं, और ऐसे कॉस्ट्यूम्स होते हैं जो काफ़ी डरावने टाइप होते हैं, स्केलेटन के या कोई भी ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं, हम लोग जो भी मूवीज़ देखते हैं उसमें जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं उनके कॉस्ट्यूम्स होते हैं, तो वो सब लोग पहन के ड्रेसअप होके भूत की तरह, ज़ॉम्बीज़ की तरह इस तरह से बन के, और उनका परेड होता है, लोग निकलते हैं जगह जगह, परेड सेटअप होती है तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, या बच्चे जो हैं वो ऐसा ड्रेसअप करके लोगों के घर जा जा के हर एक घर में ट्रिक और ट्रीट मांगते हैं, तो वहाँ पर लोग कैंडीज़ रखे रहते हैं, चॉकलेट्स रखे रहते हैं, तो वो बच्चों को देते हैं अपने घर से। तो इस तरह से बच्चे जो है उसे काफ़ी एंजॉय करते हैं, और इस दिन स्कूल में छुट्टी भी नहीं होती है तो बच्चे स्कूल में भी ड्रेसअप करके जाते हैं, और वहाँ पे भी स्कूल में भी उनको ट्रिक और ट्रीट मिलता है, सभी लोग उनको कैंडीज़ भर भर के ले आते हैं घर आते वक्त, और फिर शाम को आने के बाद उनके फ्रेंड्स लोगों के साथ में वैसा ही ड्रेसअप करके हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहन के, और वो जो है जाते हैं ट्रिक एंड ट्रीट, घर घर में जा जा के एक बास्केट ले जाते हैं, या उसके लिए स्पेशल टाइप का बास्केट्स भी मिलता है या बैग मिलता है, तो वो लोग जाके वहाँ पे ट्रिक और ट्रीट लेते हैं, बहुत सारी कैंडीज़ और चॉकलेट्स इकट्ठा करके लेके आते हैं, और लोग इस दिन के लिए दुकानों में काफ़ी सारे चॉकलेट्स के बड़े बड़े बैग्स पे सेल लगी होती है, तो सभी लोगों के घर में चॉकलेट्स तो होता ही है, वैरायटीज़ ऑफ कैंडीज़ एंड चॉकलेट्स, और ये इस तरह से लोग देखिए ड्रेसअप करके जाते हैं, ये कॉस्ट्यूम्स पहन के, मास्क लगा के, और इस तरह से ये लोग अपना हैलोवीन मनाते हैं, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। हमारा श्राद्ध मनाने का तरीका अलग है, लेकिन जो भावना है वो एक ही है कि हमारे पूर्वज आएंगे और हम उनको फीड करेंगे और हम वो हमें आशीर्वाद देंगे, तो कुछ कुछ वैसी ही मिलती जुलती भावना है, और पीरियड भी ऑलमोस्ट सेम होता है। हैलोवीन का समय तो फिक्स होता है कि 31 अक्टूबर को ही होता है, बट हमारा जो श्राद्ध है वो हर साल तिथि के अनुसार चेंज होता है, जो सितंबर अक्टूबर के आसपास में ही आता है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी जब मुझे शुरू में ये पता चला था कि इस तरह से ये लोग हैलोवीन मनाते हैं, और इमीडिएटली मैंने ये रिलेट किया था कि जैसे हम श्राद्ध मनाते हैं तो सभी कल्चर जो है, सब देश विदेश हर जगह का कुछ ना कुछ ज़रूर सिमिलैरिटीज़ होती है। और ये नेक्स्ट डे मैं आ गई थी एक और शॉप में, हैलोवीन शॉप में, जहाँ पे मैंने कुछ मास्क देखे, और मैं श्लोक के लिए उसमें से कुछ मास्क पसंद करके ले गई, एक साथ में 4-5 मास्क ले लिया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उसे कौन सा ठीक लगेगा यूज़ करने में। फिर श्लोक ने उसमें से एक पसंद किया और वो अपनी फ्रेंड के घर गया था हैलोवीन मनाने, क्योंकि हर साल वो वहीं जाता है, और ये जैक का घर है, और उसके गार्डन में देखिए किस तरह से ये सारे स्केलेटन्स और पम्पकिन से उसकी मम्मी ने घर सजाया था, और यहाँ पे देखिए किस तरह डायनासोर का स्केलेटन है नीचे, कुत्ते बिल्लियों का भी स्केलेटन है, मतलब जितना हो सके उतना डरावना लोग अपना घर बनाते हैं, और बहुत ही बहुत क्रिएटिव होते हैं इसको करने में। यहाँ पे देखिए कार सजा हुआ है, और बास्केट्स में सब कैंडीज़ और चॉकलेट्स भी रखे हुए हैं, और किस तरह से सब डेकोरेशन, और बहुत मेहनत करते हैं ये सब करने में लोग। और फिर बच्चे जो है, शाम को ही काफ़ी रौनक होती है सारे स्ट्रीट्स पे, बच्चे पेरेंट्स सब घूम रहे होते हैं कॉस्ट्यूम पहन के, और एक दूसरे के घर बड़े बड़े बास्केट और बैग्स लेके जाते हैं, जिसमें भर भर के कैंडीज़ और चॉकलेट्स लेके आते हैं, काफ़ी सारा जैसे बच्चों की कमाई होती है कैंडीज़ और टॉफ़ीज़ की उस समय। और हर घर में अगर गौर से देखें तो कुछ ना कुछ ऐसे पिक्चर्स और ऐसे
चीज़ें लटका के, कहीं कोई स्केलेटन लटका के इस तरह से रख के कि सो दैट हैलोवीन मना रहे हैं ऐसा पता चले, और जो बच्चे जाएं उनको भी पता चले कि इस घर से भी कैंडीज लेना है उनको। तो इस तरह से ये देखिए प्लांट्स में पूरा ऐसे वेब लगा के रखा है कि जैसे भूतिया घर हो तो उसमें कैसे सारे वेब्स हो जाते हैं स्पाइडर के वेब्स, वैसे वैसे भी सजावट लाइक बहुत ही क्रिएटिव होते हैं इसमें सजावट के। हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ पे लास्ट 1-2 साल तो इतना सीरियस, जब शुरू में हमने देखा तो हम डर गए कि ये ऐसा कैसे, क्या है इनके घर के बाहर। तब पता नहीं था कि अच्छा ये हैलोवीन के लिए ये लोग इतना मतलब सजाया है, और तब पता चला कि अच्छा इतने एक्सटेंट तक लोग डरावना अपने घर के बाहर रखते हैं लाइक डराने के लिए। किसी किसी एरिया में तो बहुत ज़्यादा भीड़ देख सकते हैं हम। कोविड की वजह से 2 साल से थोड़ा सा सब कुछ ज़रूर कम हो गया था, हो तो रहा था, लास्ट ईयर भी श्लोक गया था हैलोवीन मनाने जैक के यहाँ, तो होता तो है लेकिन फिर भी काफ़ी कम हो गया था। और ये देखिए पिज़्ज़ा भी पम्पकिन शेप का आ जाता है इस पीरियड में, ऐसे इस तरह से पिज़्ज़ा भी मिलने लगते हैं जो पम्पकिन के डिज़ाइन के आते हैं। और यहाँ पे ये हमारे जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे बच्चे इस तरह से कैंडीज ले रहे थे, ट्रिक एंड ट्रीट कर रहे थे, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा देख के मुझे। और यहाँ पे ये दूसरा कोई एरिया है मेरी एक फ्रेंड का घर के पास का एरिया है, जिसने उसने मुझे कुछ वीडियोस सेंड किए, तो यहाँ पे देखिए इस एरिया में किस तरह से लोगों ने अपने घर को डेकोरेट किया था, लाइक बड़े बड़े ड्रैगन और बड़ा बड़ा सब कुछ ना कुछ एनिमल्स, और सभी लोग देखिए कैसे कॉस्ट्यूम पहन के अपने लॉन को लाइटिंग्स और ऐसे करके जो है हैलोवीन मना रहे थे और कर रहे थे। और ये लोग सीरियसली अपने जो घर में जो भी उनके बड़े बुजुर्ग गुजर गए हैं उनको याद करते हैं, और उतना ही ज़्यादा ये अच्छा डेकोरेशन करते हैं। यहाँ पे श्रुति अपनी फ्रेंड के घर गई थी हैलोवीन के दिन, तो उसने भी सभी बच्चों को अच्छा लगता है, इंटरेस्ट लगता है, सब मिलते हैं अपने फ्रेंड से, तो आपको भी अच्छा लगा होगा उम्मीद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।